मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री दुर्घटनाकांड में अब एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में पालघर पुलिस ने करीब 2 महीने बाद गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना के दौरान कार चला रही अनाहिता पंडोल के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पालघर पुलिस के मुताबिक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई अनाहिता पंडोल अभी तक ICU में है और उनका इलाज जारी है। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की करीब 2 महीने पहले 4 सितंबर को पालघर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में अनाहिता के पति डेरियस पंडोल का बयान दर्ज करने के बाद कासा पुलिस ने उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले में पालघर के SP बाला साहेब पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 सितंबर को कासा इलाके में जो हादसा हुआ था उसकी जांच में जो सबूत अब तक सामने आए हैं उसके आधार पर कार चालक डॉक्टर अनाहिता पंडोल के खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के आरोप में IPC की धारा 304, 279, 366, 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अभी भी जारी है। 4 सितंबर 2022 में कासा पुलिस स्टेशन के एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके तपास में अभी तक जो भी एविडेंस सामने आए उसके तहत आज कासा पुलिस स्टेशन में IPC 304A 279, 337 और 338 के तहत गुना दाखिल किया है। उसमें जो वाहन की चालक थी डॉक्टर अनाहिता पंडोल इनके खिलाफ ये गुना दाखिल किया है। कासा पॉलिटिशियन आगे का तपास कर रहे हैं। 4 सितंबर 2022 में